के अंदर से मेरी फ्रेंड ने कराई थी बच्चों के लिए गिफ्ट्स। थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, तो इधर मैं आज बनाने लगी हूँ टिक्का सैंडविचेस, चिकन टिक्का सैंडविचेस। तो ये देखें, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट, चिकन टिक्का मसाला, ये थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, तकरीबन ये आप कर लें वो 1 टेबल स्पून, ठीक है, ये हो गया। साथ में हम डालेंगे पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, और अभी इधर डालेंगे हम लोग दही। एक 2 टेबल स्पून, चलो जी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। तो अभी मैं एक पैन के अंदर ऑयल डालूंगी थोड़ा सा, और ये जो मैंने टिक्का मिक्सचर बनाया ना, चिकन टिक्का मिक्सचर, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, तो अभी इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, फ्राई करूंगी, सॉरी तो हो गया वो पहले, इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ये बड़े ही मज़ेदार सैंडविचेस मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने कोई टी पार्टी करनी हो तो आप लोग ये इजीली बना सकते हैं। जैसे कि आज मैं भी टी पार्टी कर रही हूँ, तो मैं ये टिक्का सैंडविचेस बना रही हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं बाकी की वीडियो बनाऊँगी, मे बी अगर मैं ज़्यादा बिजी होगी तो मैं ना बनाऊँ, लेट्स सी। लेकिन मैं आपको मेन, सबसे ज़्यादा मेन यही था चिकन, बाकी तो सैंडविचेस जिस तरह बनाते हैं सारों को ही आते हैं वो किस तरह बनते हैं। एनीवेज मैं ट्राई करूँगी, खैर फिलहाल अभी इसको पकाते हैं हम। ये देखिए जी, कितना प्यारा चिकन हो रहा है मेरा फ्राई, हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी इस तरह सौते, आप इसको कुछ भी बना बोल सकते हैं, पकाना ही है बस पकाएं। ये जब अच्छी तरह से पक जाएगा ना, तो मैं इसको इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ लूँगी, बल्कि मैं अभी ही तोड़ देती हूँ इसको, बाद में भी हम लोगों ने इसको तोड़ना ही है, तो अभी थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ देते हैं इसे, ताकि मसाला इसके अंदर तक चलाएगा। ये देखिए कि इसको मैंने तोड़ लिया है बड़ी अच्छी तरह से, और बाकी अगर थोड़ी सी और मुझे तोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर दोबारा इसको तोड़ लूँगी जब ये फुली कुकड हो जाएगा। अभी इसको मैंने तोड़ा तो इसकी अंदर से सारी बोटियाँ कच्ची थी, तो इट्स टू गुड कि आप लोग भी इसको तोड़ लें, क्योंकि वो बोनलेस चिकन थोड़ा मोटा होता है, सम टाइम वो अंदर से कच्चा रह जाता है। वैसे चिकन तो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन फिर भी उसे आते हैं। चलिए इसको कुक करके फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, अभी मैं तैयारी करने लगी फ्रूट स्टिक्स की, तो उसके लिए मैंने सारी ये फ्रूट वॉश कर ली है अच्छी तरह से, और एप्पल भी वॉश कर लिया। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप स्टिक्स बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, तो ये देखिए, मैंने सारा अपना फ्रूट काट लिया, मेरे पास ना अभी इतनी बड़ी स्टिक्स ही हैं, वो छोटी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। इसके अंदर ये देखिए, अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग ये ग्रेप डालेंगे एक, आपने इसको मिड में रखना। जी जी, मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ये। अच्छा, और उसके बाद ये डालेंगे एप्पल, फिर हम डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी, और मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, इसे मेरा ख्याल है छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो ये मेरे पास खजूरें थी, डेट्स, तो इनको भी मैंने थोड़ा छोटा कर लिए, ये देखिए। और केला मैं इसलिए नहीं लगा रही ऊपर, क्योंकि केला हो जाता है काला, ठीक है,
ये देखें जी, मे बी मैं बाद में लास्ट मिनट पे लगा लूँ। इस तरह ही मैं सारी स्टिक्स तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें मेरी फ्रूट स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अभी मैं इनको प्लेट में रख के फिर आपको दिखाती हूँ, ट्रे में या प्लेट में, जिसमें भी। ये देखें मैंने इसको ट्रे में रख दिया और ये कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा तो ये देखें मैं अभी सैंडविचेस बना रही हूँ, गेस्ट आके बाहर बैठे हैं मैं, उफ। और अभी मैं फटाफट ये लगा रही हूँ, एक पे मैंने लगाया चीज़, एक पे मैं लगा रही हूँ ये केचप और मायोनीज़। ये देखें सर, ठीक है। और इसके ऊपर ही मैं लगा दूँगी ये इस तरह से चिकन जी। फतेह वेट करें बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं मेरी जान, अभी रखो उधर। ये देखो मैं आपके लिए यम यम लेकर आ रही हूँ, अभी नहीं फतेह। ये देखें अभी इसको इस तरह, ये देखें जी इसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिया। और ये इधर इसके ऊपर थोड़ी सी और केचप और ये बाकी के स्लाइसेस ये लें जी। और ये देखें जी, यम्मी। अच्छा जी तो ये देखें, ये देखें मैंने टेबल लगा दिया। आई गिव यू द फ्रिसा, उसे फ्रिसा देख लिया तो अब देख के उसको हो रहा है। ये आपके फतेह ले लो आप, मैं अपनी बेटी को देती हूँ। और लो देख के रो रही है, मुझे दो वॉइस ओवर करूंगी। अच्छा जी तो अभी हम लोग चाय पीने लगे हैं, अभी हम लोग सारे चाय पी रहे हैं, खा पी लिया है हमने। आज मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, इसके अंदर जी मेरी फ्रेंड लेकर आई थी बच्चों के लिए गिफ्ट्स, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी मेहमान चले गए और आधे मैंने बर्तन धो लिए, बच्चों को मैंने डाला हुआ टब में वॉशरूम में, और मैं धो रही हूँ इधर बर्तन। चले जी जल्दी जल्दी वॉश करें और फिर आराम से बैठे सुकून से। जब मेरे बर्तन बड़ी जल्दी धोने होते उस दिन मैं ग्लव्स नहीं पहनती, लेकिन इधर हाथ ना बड़े ख़राब हो जाते हैं अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते तो। लेकिन आज मेरे मेरा दिल कर रहा है मैं फटाफट धो लूँ, ग्लव्स पहन के ज़रा मेरे से ना बड़ी स्लो धुलते हैं बर्तन। चलो सारा कुछ मैंने समेट लिया था तभी, और अभी बस बर्तन धोने के बाद चले जी बर्तन धो के मिलती हूँ जी। बर्तन वगैरह मेरे धुल गए, किचन हो गया नीट एंड क्लीन। इसमें पड़ी हुई है चाय, वो मैं भी पी कर तो फिर वॉश करूँगी, बाकी ऑल क्लीन्ड। तो अभी मैं शावर देती हूँ बच्चों को और फिर आराम से चिल।